All right, so hey guys. दो हफ्ते बाद एक हफ्ता बोल के गए थे ना, सेंडिंग मेल ही हो रहा है भयंकर। बड़ी फाइल हुई ना, ऐसे भी क्या बड़ी फाइल होनी है। आज की चाय को मैं इतना ज्यादा मिस कर रहा था ना भाई, मम्मी को काफी अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। कौन है? कौन है? आपसे पता नहीं करने दी, नहीं करने दी। हो गया भाई, क्यों अल्लाह क्यों कर रहे हो भाई सुबह सुबह। व्लॉग यहीं शुरू कर दें। ऑलराइट, सो ही गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूं सब अच्छे होंगे। अच्छे, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम लोगों का व्लॉग शुरू हो चुका है। चलो भाई, मुसाफिर चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज तो घर घर खेलेंगे, घर पहुंचने वाले। आज बहुत याद आ रही थी घर की यार, इतने टाइम से। बाहर मौसम कैसा हो रहा भाई? मौसम तो सेक्सी सा हो रहा है। इसमें तो वही नहीं है, शीशा ही नहीं है। मैं तो सोचा था शीशे में व्लॉग करूंगा। और हाँ, हमारे तरफ के लोग तो काफी सोच रहे कि कहाँ गया भाई, कहाँ गया। इसके लिए भी सोच रहे हैं कुछ लोग कि ये क्यों गया इसके साथ और वो क्यों गया ऐसे। सो हम तो भाई अपना काम करेंगे ना पूरा। अरे बिल्कुल, ये तो पहली ट्रिप है, इसके बाद तो फिर एक से एक ट्रिप आने वाली है। तुम्हें व्लॉग का कॉन्टेंट बहुत अच्छा मिलने वाला। हाँ जी, एक सेकंड में नींद में लग रहा था। नींद में हम लोग 5 बजे सोए, टू बी ऑनेस्ट कसम से बताऊं तुम लोगों को। इसकी तो नींद पूरी होगी भाई, मेरी हो रही नींद पूरी। मेरे से पहले सो गया था भाई तू। मैं तो इसने मेरे को 5 बजे उठाया, पहले तो एक गाने सुन रहा था 5 बजे। एक तो क्रीम लगा के इतना चमक गया ना, चाहे मॉइस्चराइजर कौन सा था, अलग ही दिख रहा है भाई कैमरे में। बढ़िया हमारा भाई जगह। आयुष क्या चल रहा है, सेंडिंग मेल क्या चल रहा है? मिट्टी तब से सेंडिंग मेल ही हो रहा है भयंकर। बड़ी फाइल हुई ना, ऐसे भी क्या बड़ी फाइल होनी यार। एक तो काम इतना मिल गया ना मेरे को, मतलब अब वही होगी, लाइफ बहुत बिजी होगी गाइस। सो काम को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले काम करो, उसके बाद तो और चीज़ें तो होती रहती है ना। सो व्लॉग्स का लेट आने का रीज़न यही है कि एक हफ्ते से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे। मैं ये चेक करो, अभी ना मेल्स भेज रहा हूँ, क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। सो वही फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं देहरादून अपने शहर की तरफ। गाइस आज का लास्ट व्लॉग है, आज का ये अहमदाबाद जो सीरीज थी ना उसका लास्ट व्लॉग है। एंड फिर इंटरेस्टिंग पीस आउट, पीस आउट। ऐसा करता है पहले दिन में से व्लॉग में लड़ करना, पीस आउट। फिर मेरे साथ रहेगा तो सीख गया फुल पावर। सीखा, बोलिए बोलिए फुल पावर। दूसरा भी सीख गया, मैं फुल पीस आउट सीख गया, फुल पावर सीख गया मेरे साथ। आयुष और मैं तो आप उठे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे जगह हम। इसमें बैटरी कम रह गई। इसने हुडी ली वहां से, मैंने बोला मेरा मन सा कर रहा है उसे पहनने का, दिखाई दिया एक बार। मैंने जैसे देखने को करा कि इसका रिएक्शन क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, वहां दर्द में जाके पहनूंगा, ऐसा कर रहा है। बीती होगी बहुत भयंकर, ये सिर्फ हम तीनों को याद रहेगा और किसी को न गया। तो गाइस फाइनली भैया भी जा रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोगों ने भी यहाँ से कैब बुक कर दिया, बट बीटी हो रही, बारिश आ रही है। सुबह नहीं, आयुष को भाई बोलते हैं ओके मेरे भाई, ध्यान रखो। तो मेरे घर रुक जाओ वरना कैब आ गई, बस चलते हैं भाई। अब क्या करना, रुक के, क्योंकि घर देख 12 किलोमीटर है, हम अपने घर में आराम से सोएंगे ना सब, इसलिए बोल रहा। एंड काफ़ी अच्छा लगा गाइस लौंडे के साथ ट्रिप में, बहुत चिल लौंडा है। एंड देहरादून वालों की वाइफ तो वैसे ही मिल जाती है ना। फिलहाल अगले 3-4 दिन बाद आएंगे से मिलने दोबारा, इसी खास ठीक करने आएंगे। तो गाइस देहरादून आते हैं, मिले बॉडी बिल्डर का, इसके हाल है मेरे भाई। बी सेफ, बी हेल्थ, बी सेक्सी, बी बॉडी। ठंडा हो रहा है क्या हमें देहरादून में? सो रहा था, ये सो रहा था गाइस, मैंने सो टाइम। गाइस देखो कितनी गर्मी है, उस तरफ गर्मी हो रही थी ना, तो इस तरफ मतलब रखता हूं वरना मेरी बॉडी को नजर लग जाती है। सही है, मेरा ही चेला है साड़ा देखियो। सो गाइस फाइनली हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, ठीक है। हम अब बस 15 मिनट बाद अपने घर में होंगे भाई। देहरादून आके जो फीलिंग है ना, मतलब शरीर में जो ठंडा लगा है ना, वहाँ तो गर्म ही था भाई। देखो तो बारिश आ रही है, और अभी ना हमने वेदर फॉरकास्ट देखा तो 3 दिन तक बारिश ही है यहाँ पे। एंड लोगों ने जैकेट पहनी हुई है, स्वेटर पहनी हुई है। सो भाई फिलहाल के लिए चलते हैं एंड घर में चाय पियेंगे, फिर ये वाला ब्लॉग एंड करेंगे। मजा आया भाई, इसे तो आयुष की याद आ रही थी बहुत। आयुष के साथ ही सुनूंगा आयुष भाई, पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट, फुल पावर पीस आउट। गाइज हमें जीएमएस से साकिब भाई ने घर तक छोड़ा, तो शुक्रिया साकिब भाई,
काफ़ी अच्छा लगा। भाई के गाने की चॉइस इतनी बढ़िया ना गाई सिद्धू मूसे वाले की, मज़ा आया भाई के साथ। चलो ठीक है फिर है, बाय बाय। क्या हाल है? दो हफ्ते, हम एक हफ्ता बोल के गए थे ना, 11 दिन बाद आ रहे भाई, मतलब 12 ही मान लो। हाँ यार, अब काम नहीं, नहीं मेरा काम देख के इतना खुश हो गया ना कि यहीं रुक जाओ तुम कि उत्तराखंड मत रहो, अहमदाबाद ही रहो। मत छत में चले। सो गाइज, फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। एंड मैं कुछ व्लॉग एकदम नहीं कर पाया, तुम्हें पता है स्टोरेज फुल हो गई थी। एंड हाँ, तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, मैंने मम्मी के लिए एक दुपट्टा लिया था, मैं वो व्लॉग कवर नहीं कर पाया क्योंकि सब फोन कैमरा सब अंदर थे। ये चेक करो गाइज, इधर आओ पहन के दिखाओ। ये है, ये राजस्थानी दुपट्टा है, मम्मी को बहुत पसंद है। ओके, थैंक यू सो मच, राजस्थानी दुपट्टा। ये तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड सा था, सैम भी मजाक करेगा। इस मम्मी को काफी अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार। मुझे पता है मेरी पसंद इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने जो मेरी दोस्त है ना, मैंने उसके साथ वीडियो कॉल में। तो हाँ, मैं तुम्हें तो बता रहा था कि हम लोगों ने व्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि फोन की बैटरी डेड हो गई थी। बट हाँ, ये ट्रिप जो थी ना देहरादून टू गुजरात, बहुत बहुत बॉम रही है गाइस। सबसे पहली भंडी क्या हुई, हमारे दोस्त का आईफोन कौन सा है, 11 की 12 है कि 13 है, 16 प्रो मैक्स है, जो कि अभी तक शायद आया नहीं, बट इसका पता नहीं कौन सा है, पहचान लोगे तुम लोग। स्विमिंग पूल में लेके गया था, ख़राब हो गया इसका फ़ोन। बाकी फिर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर से मिला एंड उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। ये चेक करो गाइस, हम लोग ना चाय पी रहे हैं, एंड घर की चाय भाई इतनी बढ़िया होती है कि तुम्हें क्या बताऊँ। मम्मी के हाथ की चाय को मैं इतना ज़्यादा मिस कर रहा था ना भाई। तो ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन मेक श्योर टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं तुमसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड स्टे सेक्सी वे। एक और चीज, रात के 3-4 बजे लड़का ना छत में बैठा हुआ था भाई, वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, बट ये वाली ट्रिप बहुत भयंकर रही है।